इससे पहले कि हम इकोलॉजी के सुपर 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, 30 से कम होंगे मैंने गिना नहीं है, ठीक है। तो आपको एक नई बैच की अनाउंसमेंट करने वाले हैं हम लोग। 16 अक्टूबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है PGI एम्स BHU नियम KGMU स्टेट एग्ज़ाम की जो नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उनके लिए, ठीक है। उसका फ़ी स्ट्रक्चर सबसे पहले जान लीजिए कि BHU BSc नर्सिंग के 1500 रुपये फ़ी होगी, PGI एम्स नियमन की 2500 रुपये, स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम की 1000 रुपये होंगी, यानी एक साल की पूरी फ़ी होगी ये, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। आपको इस बैच में क्या स्पेशलिटी है, सबसे पहले आपको नोट्स मिलेगा, वो नोट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इन एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, ठीक है। और आपको नीट लेवल की नहीं दिया जाएगी, ताकि क्योंकि नीट का लेवल हाई होता है, आप उसमें पढ़ोगे तो फिर आप इन सारे क्वेश्चन जो कि जिनका एग्ज़ाम लो होता है वो गलती कर सकते हो। इसके लिए हमारा टेस्ट सीरीज जो कि 15 दिनों में एक बार आपका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट होगा इन्हीं लेवल पे, यही लेवल होगा इसका। और DPP और क्विज में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे को हम 10-15 बनाएंगे, जो 10 से ज़्यादा नहीं होगा वही आपको देंगे, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है तो जल्दी से जुड़ जाइए, 16 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इकोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट सुपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। तो देखो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, फ्रॉग, फिश और जूप्लैंक्टन सारे ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रॉग और फिश कंफ्यूजिंग ऑप्शन जो है वो है, क्योंकि फ्रॉग ओमनीवोरस होता है, तो डेफिनेटली ये कई ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। आप कहोगे कैसे ट्रॉपिक लेवल, जैसे देखो सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल होता क्या है, सबसे पहले ये प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे प्लांट है सपोज करो उसको हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, यही तो ट्रॉपिक लेवल है। लेकिन फ्रॉग क्या है, अब जरा सबसे पहले बताता है कि ये कीड़ा है, सपोज करो ये प्लांट है, इसको कीड़ा खाया, इस कीड़े को फ्रॉग ने खाया। लेकिन सवाल ये है कि फ्रॉग प्लांट को भी खा सकता है, क्योंकि फ्रॉग ओमनीवोरस है, तो कई लेवल एक यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। सिमिलरली फिश भी हो सकता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट वो फिश होगा, ठीक है। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ये हमेशा कई एग्जाम से पूछा गया है, तो इसमें पूछा जा सकता है। और इनफैक्ट BSc नर्सिंग में भी 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और BHU के BSc में भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, रिन्यूएबल एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, कौन ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो रिन्यूएबल हो सकता है, क्या कोल हो सकता है, नहीं हो सकता, पेट्रोलियम नहीं हो सकता, केरोसिन नहीं हो सकता, लेकिन फॉरेस्ट को आप रिन्यूएबल कर सकते हो पेड़ लगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, ठीक है। ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल हैज़, ठीक है, लेस टोटल एनर्जी, मोर टोटल एनर्जी, इंक्रीज टोटल एनर्जी, नॉन एस्टिमेटेड एनर्जी कंटेंट। अगर ध्यान से देखा जाए तो लिंडमान ला क्या कहता है कि जैसे कि हर ट्रॉपिक पर एनर्जी 10% घट जाती है, जैसे T1 है, T1 से आप T2 पे जाओगे तो इसकी एनर्जी 10% कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस टोटल एनर्जी, ओके। इफ ऑल प्लांट आर डाई ऑल द एनिमल विल आल्सो डाई ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, टिम्बर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे लोग ऑक्सीजन मर के आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा प्लांट को डेफिनेटली, लेकिन क्या फूड मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान से देखने वाली बात है कि सबसे पहला चीज़ अगर एनिमल पे प्लांट डिपेंड रहता है, सॉरी प्लांट एनिमल प्लांट पे डिपेंड होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन, लेकिन इसके बाद फूड। तो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे फूड होगा, क्योंकि अलगे भी हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता है, तो यहाँ से हमें फूड को ध्यान देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन बड़े ही क्रिटिकल होते हैं, वो सबसे अप्रोप्रिएट आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल कम्युनिटी डेवलप, तो क्या डेवलप करेगा, फूड चेन डेवलप करेगा, ये तो फूड चेन की डेफिनेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये भी। एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनिन इज गॉट फ्रॉम, ये कहाँ से क्यूनिन निकलता है, सिनोचना ट्री, आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जा चुका है कई बार नर्सिंग में भी। लैंड मास ऑक्यूपाई बाई फॉरेस्ट, ये देखो डाटाबेस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा BHU BSc नर्सिंग में, इसको आप मार्क कर लो, 30% है, ठीक है। 1999 में अब डाटा बदल चुका है, देखो ध्यान से देखना, अब डाटा बदल चुका है, अब इस पर 21% के आसपास हो चुका है, ठीक है। इंडिया की अगर आप NCERT की डाटा जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा जाकर के एक बार, कि कितना परसेंट लैंड ऑक्यूपाई हुआ है इस वक्त, और कमी हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन द पिरामिड ऑफ नंबर फाइंड आउट द करेक्ट पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि लेवल PC इज़ रेड, लेवल SC इज़
पीसी बोले तो प्राइमरी कंज्यूमर, एससी बोले तो सेकेंडरी कंज्यूमर, टीसी बोले तो टर्सरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे ये है लेवल पीपीस फाइव पीपल ट्री, लेवल सी सी, लेवल पीपीस फाइटोप्लैंकटन एंड सी, लेवल पीसी इंसेक्ट एंड एससी स्मॉल इंसेक्टिवर्स बोल। बिल्कुल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीसी मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर बोले तो क्या है, इंसेक्ट है, एक पेड़ पर इंसेक्ट है, ठीक है, ये इंसेक्ट हो गया, ठीक है, एक पेड़ है उस पर ये इंसेक्ट हो गया, उस इंसेक्ट को खाने वाली कई सारी बर्ड हो गई, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, और ये एनसीईआरटी में इसको हम लोग कहते हैं ना, इसको किस तरीके का शेप होता मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको स्पिंडल शेप कहते हैं, ऐसे कि जो ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये दिया गया है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आपको इतना नहीं पूछेगा लेकिन स्पिंडल पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है, अगर दिन ख़राब हुआ तो आपको ये फिर क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजर ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड माइक्रोस्कोपिक एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, बोथ ही एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक एनिमल नहीं होगा, हर एनिमल डिकम्पोजर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई ही डिकम्पोजर होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। विच आर द फॉलोइंग प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सबसे ईजी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन होगा इसका आंसर, 78% के साथ डोमिनेंट पर है। जूम कल्टिवेटर रेफर टू, कल्टिवेशन ऑफ जामुन ट्री, कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट बाय ट्राइब, ट्राइबल मेथड ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कल्टिवेशन ऑफ टेरेस। तो ये ट्राइबल मेथड होता है, जहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यानी एक जगह पे प्लांट लगाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर कुछ साल वेट करते हैं और फिर वहाँ पे कल्टिवेशन करने स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा करके जंगलों में इसी तरीके की होती है, ठीक है। मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिक लेवल इन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड, ठीक है, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग क्रॉप, ये इस साल BHU BSC के अंदर पूछा गया है, जरूर है इसको पूछा जाएगा, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए आप। ओके, विच वन आकर एट सेम ट्रॉपिक लेवल, क्रो एंड काउ, टाइगर एंड अर्थवर्म, स्नेक एंड वाइल्ड बोर, डियर एंड बी। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका आंसर होगा डियर एंड बी। कैसे, क्योंकि देखो बी भी फ्रूगी वर्स होता है या इंसेक्टी वर्स होता है, सॉरी फ्रूगी वर्स होता है या हर्बी वर्स के तौर पे आप ले सकते हो, और डियर भी हर्बी वर्स होता है, तो डेफिनेटली ये वाला सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, फाइटोप्लैंकटन और हेटरोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, ऑल द अबव। तो फाइटोप्लैंकटन क्या है, ऑटोट्रॉप है। अडेट्रीवोर कौन एनिमल होता है जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, तो इसका ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, इन इंडिया टेम्परेट एवरग्रीन वेजिटेशन अकर मोस्टली इन, इंडिया में टेम्परेट एवरग्रीन वेजिटेशन कहाँ पे अकर होता है सबसे ज़्यादा, तो याद रखना पड़ेगा वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके की कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके के लेवल क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज़ बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ बायोडीजल, बायोडीजल का सोर्स कौन है, तो ये है पोनोगेमिया। पोनोगेमिया एक फेवेसी फैमिली का मेंबर है जो कि इसका यूज होता है बायोडीजल के तौर पे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन इज सीन इन, स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट में, क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन उन्हीं प्लांट में, हर्ब, सर्ब, ट्री, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, और ये तीनों चीज़ें पाई कहाँ जाएंगी, क्या टुंड्रा में पाई जाएंगी, बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर में बिल्कुल नहीं, डेजर्ट में बिल्कुल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सही है, ठीक है, क्योंकि इसी में हर्ब, सर्ब और ट्री, इन्हीं में तो देखा जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। विच वन आर रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन साइकिल रेस्पेक्टिवली, तो अगर देखा जाए नाइट्रोजन साइकिल का कौन है, एटमॉस्फेयर हुआ, और फॉस्फोरस साइकिल का रॉक बेड, यानी कि रॉक कह सकते हो, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखो, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के लिए बेड रॉक और एटमॉस्फेयर, डी है, ठीक है। विच वन इज नॉट अ गैसियस बायोजेमिक जियोकेमिकल साइकिल, कौन गैसियस बायोजेमिकल साइकिल नहीं है, तो वो है फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ पर आता है, बेड रॉक, ठीक है, बेड रॉक, ओके, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, वाटर इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन मेंटेनेबल, डिग्रेडेबल एंड मेंटेनेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो ये डिग्रेडेबल एंड मेंटेनेबल, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेनफॉल वाटर अकर इन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सवाना,
स्क्रब फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लंबे लंबे ट्री होते हैं और हरे हरे होते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वेजिटेशन होता है वो पेड़ों से भरा होता है, तो ज़्यादा करके एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग एक्सट्रीम एरिडिटी डेजर्ट रेट, एक्सट्रीम एरिडिटी के दौरान जो डेजर्ट रे होते हैं वो मेटाबॉलिक वाटर का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है इस क्वेश्चन का, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ओके, फर्टिलाइजर ऑब्टेन फ्रॉम सी बर्ड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ चाइल एंड पेरू, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो गुआनो होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बी एच यू में पूछा गया इसलिए इसको हमने मार्क कर लिया, ये पूछा जा सकता है, वैसे ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, सॉरी, पिरामिड ऑफ ह्यूमन डील विथ नंबर स्पेसिस इन द एरिया, इंडिविजुअल इन अ कम्युनिटी, इंडिविजुअल इन अ ट्रॉपिक लेवल, सब स्पेसिस इन अ कम्युनिटी, तो क्या है, इंडिविजुअल इन अ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, क्योंकि तभी तो हम लोग T1 T2 से दिखाते हैं, ये T1 टॉपिक है, ये तो हम कम्युनिटीज नहीं, नहीं एरिया से नहीं, सब कम्युनिटी सब स्पेसिस से हम ट्रॉपिक लेवल से उसको डील करते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन डज नॉट लीड टू, डिफॉरेस्टेशन में क्या नहीं होता, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ वेदर कंडीशन हो जाता है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या नहीं होता, क्विक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है, ये अब पहला ऑप्शन होगा सही इसका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इकोलॉजी के जो हमने आपसे पूछे, ऐसे ही आने वाले वीडियो में कुछ और चैप्टर के लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।